8 साल में एक दिन ऐसा आ गया है जब मोदी विरोधियों में मच गई है चीख पुकार। कांग्रेसी इकोसिस्टम में मचा है हाहाकार। जनता दिखाने लगी है चमत्कार, लेकिन न्यूज चैनलों के पर्दे से तो सब कुछ गायब है। क्या आपने कांग्रेस और उसके इकोसिस्टम की आह सुनी, चित्कार सुनी? क्या आपने केसीआर के मंत्रियों का जूते, पत्थर और कुर्सियों से सत्कार देखा? क्या आपने टिकैत का जूतम पैजार देखा? क्या केजरीवाल की पार्टी में मचे हाहाकार को आपने देखा? और हाँ, आखिर में जनता ने किया मोदी जी की जय जयकार। साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद बर्णवाल। आज मैं देश में घटित हो रही कई घटनाओं की चर्चा करूंगा जो अलग अलग प्रदेशों में हो रही है, और ये घटनाएं आज जब मोदी सरकार के 8 साल पूरे हो रहे हैं तो ये घटनाएं एक प्रतीक बनी है। ये एक इशारा कर रही हैं कि देश किस दिशा में चल रहा है। वैसे तो कई घटनाएं देश के अलग अलग राज्यों में देखने को मिल रही हैं, लेकिन मैं 5 विशेष घटनाओं की चर्चा करूंगा। और सबसे पहले कांग्रेस में मचे भगदड़ की, चीख पुकार की, और इसमें भी बात करूंगा मैं कांग्रेसी इकोसिस्टम से जुड़े उन लोगों की, कांग्रेसी नेताओं की, जिनमें भगदड़ मची हुई है। और इस समय एक बड़ी महत्वपूर्ण घटना हुई, कांग्रेस ने राज्यसभा के लिए अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी, और इसके बाद जो बयान आए, जो प्रतिक्रियाएं देखने को मिली, वो बड़ी दिलचस्प है। आप देखिए, मैं एक एक कर कुछ नाम और उनके ट्वीट्स दिखाता हूं, उनके रिएक्शंस दिखाता हूं। सबसे पहले राजदीप सरदेसाई, आप देखिए उन्होंने क्या लिखा है कि कांग्रेस राज्यसभा लिस्ट आउट, व्हाट हैपेंड टू द जनरेशनल चेंज प्रॉमिस्ड इन उदयपुर। उदयपुर में जो वादा किया गया था कि अब जनरेशनल चेंज किया जाएगा, उसका क्या हुआ? लॉयल्टी टू लीडरशिप मैटर्स इन द एंड। वो ये कह रहे हैं कि जो लॉयल्टी है, जो मतलब मक्खनबाजी है ना, उसी को वरीयता दी गई, और G20 के जो नेता है वो तो खत्म ही हो गए। अब आप देखिए इन्होंने जो कहा है ना, वो बड़ा महत्वपूर्ण है। वो बीजेपी की तारीफ कर रहे हैं और कांग्रेस को आईना दिखा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि बीजेपी रिवॉर्ड्स मेनी विद स्ट्रॉन्ग लोकल कनेक्ट इन देयर होम स्टेट, कांग्रेस एकोमोडेट्स many who don't even belong to a state, one is a sharp political list, the other loyalist adjustment। अब ये कह रहे हैं कि बीजेपी ने अपने राज्य के जो लोकल लीडर हैं, जिसमें एक कनेक्शन है, उनको वरीयता दी, लेकिन कांग्रेस ने किसी भी जो होम स्टेट का लीडर है ना, उसको दिया ही नहीं, बल्कि उन्होंने सिर्फ जो मतलब मक्खनबाजी करते हैं ना, उसी को वरीयता दी, उसी को एडजस्ट किया। ये राजदीप लिख रहे हैं और ये समझने की बड़ी ज़रूरत है। एक है दीपक शर्मा, धुर मोदी विरोधी व्यक्ति है, और दिन भर अंबानी अडानी ये भी करते हैं, जैसे राहुल गांधी करते हैं ना, वैसे ये भी करते हैं। कभी पत्रकार आज तक के थे, लेकिन इस समय जो है सिर्फ जहर उगलते हैं ये, आप इनके वीडियो से भी समझ सकेंगे। अब ये क्या लिखते हैं, अडानी अंबानी भले ही फंड करते हैं, पर बीजेपी ने वाजपेयी राधा मोहन जैसे ईमानदारों को राज्यसभा भेजा। ये दीपक शर्मा कह रहे हैं, राहुल खुद ईमानदार हैं। अब देखिए ये फिर मक्खनबाजी करने लगे कि राहुल ईमानदार हैं और मोदी करप्ट हैं। जरा सोचिए, जिस परिवार के पास करोड़ों रुपए की अकूत संपत्ति है, जो महिला दुनिया की मोस्ट पावरफुल मोस्ट रिच महिला के रूप में आ चुकी हैं, वो ईमानदार हैं, और जिस मोदी के पास कुछ नहीं है, जिनके सारे रिश्तेदार एक मध्यम वर्ग की जिंदगी जी रहे हैं, उन्हें ये मतलब क्या कह रहे हैं आप समझिए। राहुल खुद ईमानदार हैं, पर उनकी पार्टी ने कई घोषित दलालों को दोबारा संसद भेजा है। यही वजह है कि जनता चाह कर भी कांग्रेस के साथ खड़ी नहीं हो पा रही है। ये शनि का फेर है या देश का दुर्भाग्य है? आप समझिए कि जो राहुल गांधी की मतलब इतनी तारीफ, इतना करप्शन के बाद भी वो व्यक्ति भी भाजपा की तारीफ करने को मजबूर है, बुराई कर करके तारीफ कर रहा है, और राहुल गांधी की तारीफ कर करके बुराई को प्रस्तुत कर रहा है। आप देखिए, एक है रोहिणी सिंह, जानते ही होंगे कितनी किस तरह से लिखती हैं। इन्होंने ये लिखा है, जब पवन खेड़ा को नहीं मौका मिला तो उसके बारे में लिख रही हैं कि इमेजिन द स्टेट ऑफ कांग्रेस,
दैट इट हैज़ मैनेज टू डिसअपॉइंट इट्स मोस्ट, मतलब जो कांग्रेस के सबसे अच्छे प्रवक्ता हैं उसको भी निराश कर दिया, ये कह रही हैं। तो दरअसल ये उसकी निराशा नहीं है, ये तो रोहिणी सिंह की निराशा। आप क्यों निराश हो रही हैं भाई, आप तो पत्रकार हैं। लेकिन सच्चाई सामने आ गई। अब मैं आपको कांग्रेसी नेताओं के कुछ बयान दिखाता हूँ। पवन खेड़ा टीवी डिबेट्स में देखते ही हैं, एकदम आगे बढ़ बढ़कर भाजपा के नेताओं को परास्त करते हैं, कुतर्क भले करते हों लेकिन परास्त करना चाहते हैं। लिख रहे हैं कि शायद मेरी तपस्या में कुछ कमी रह गई, खुल करके, मतलब एकदम वोकल होकर के कह रहे हैं कि हमने बड़ी गांधी जी की, राहुल गांधी, सोनिया गांधी की वो की, लेकिन हमारी तपस्या को नहीं देखा उन लोगों ने, कमी रह गई। और इसके ऊपर नगमा, जो फिल्म अभिनेत्री भी रही हैं और कांग्रेस पार्टी की एकदम बड़ी दिग्गज नेता हैं, वो भी कह रही हैं कि हमारी भी 18 साल की तपस्या कम पड़ गई इमरान भाई के आगे। अब इमरान प्रताप, इमरान जो है ना, जो उत्तर प्रदेश वाले, उसको महाराष्ट्र से राज्यसभा भेजा जा रहा है कांग्रेस की तरफ से, जो खुद दो बार डिपॉजिट जब जमानत जब्त हो गई उस नेता को, तो नगमा अपनी तुलना उससे कर रही हैं। और नगमा ने एक और खुलासा किया, आप देखिए नगमा ने बड़ा खुलासा किया। उन्होंने क्या लिखा है कि सोनिया जी, और सोनिया जी मतलब जो कांग्रेस अध्यक्ष हैं, और मेरी मुलाकात 2003-04 में हुई थी, और सोनिया जी ने पर्सनली मुझसे ये कहा था कि मैं कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करूंगी, ये नगमा बता रही हैं, तब मुझे राज्यसभा भेजा जाएगा। लेकिन 18 साल हो गए, अब तक मुझे ये अवसर नहीं मिला है, और इमरान को राज्यसभा से भेज दिया गया महाराष्ट्र से, तो क्या मुझसे ज़्यादा वो काबिल हैं, ये नगमा पूछ रही हैं कांग्रेस की नेता। अब कांग्रेस में ही आइए, राजस्थान के एक विधायक हैं श्याम लोढ़ा, जो मुख्यमंत्री के सलाहकार भी हैं, ये कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी को यह बताना चाहिए कि राजस्थान के किसी भी कांग्रेस नेता कार्यकर्ता को राज्यसभा में, राज्यसभा चुनाव में प्रत्याशी नहीं बनाने के क्या कारण है। मतलब राजस्थान से मेरे ख्याल से 3 सीटें हैं कांग्रेस की राज्यसभा के लिए, लेकिन एक में भी राजस्थान का एक भी नेता नहीं, ये है सच्चाई। और यही हाल झारखंड में है। झारखंड में तो स्थिति ऐसी हो गई कि गठबंधन में दरार आ गया और शिव जेएमएम ने, झारखंड मुक्ति मोर्चा ने अपना उम्मीदवार उतार दिया बिना कांग्रेस से सलाह मशविरा किए। तो ये है कांग्रेस की चीख पुकार, चित्कार और जो आह लोगों की निकल रही है। और अब बात करते हैं तेलंगाना में टीआरएस के साथ हुई घटना। केसीआर जो है वो तो प्रधानमंत्री बनने का सपना पाले हुए हैं। आप देख रहे हैं तेलंगाना में भाजपा के खिलाफ किस प्रकार से जहर उगला जा रहा है और क्या कुछ ओवैसी तो वहीं से आते हैं, ये भी जानते हैं। अब आप देखिए कि वहाँ क्या स्थिति पैदा हो गई है। तेलंगाना में केसीआर के एक मंत्री, नाम है जो श्रम मंत्री है, एम मल्ला रेड्डी, ये घाट केसर में एक जनसभा करने वाले थे और उस दौरान उनका काफिला गुजर रहा था। तो घाट केसर में वहां के लोगों ने उन पर हमला कर दिया, आप विजुअल देखिए, और हमला किया मतलब जूते, पत्थर, कुर्सियां, जिनको जो मौका मिला, जो मिला उसी से हमला कर दिया। और ये सब क्यों हुआ आप ये भी समझिए, क्योंकि जो ये श्रम मंत्री हैं एम मल्ला रेड्डी, अपने भाषण में टीआरएस यानी तेलंगाना राष्ट्र समिति और मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की प्रशंसा कर रहे थे। आप समझ रहे हैं, तेलंगाना के मुख्यमंत्री की, वहां का एक मंत्री प्रशंसा करता है सरकार की कार्यशैली का, तो लोग भड़क जाते हैं। क्या स्थिति होगी आप समझिए उस तेलंगाना राज्य में, जो कि मतलब वो तो दक्षिण भारत का एक राज्य है और वहाँ के कुछ लोग जो हैं, कुछ पार्टियाँ ये प्रस्तुत करती हैं कि भाजपा तो मतलब दुश्मन पार्टी है। उस राज्य में लोग इतने निराश हैं, इतने गुस्से में हैं, और ये सब जानते हैं क्यों हो रहा है, क्योंकि मोदी जी का जो प्रभाव है ना वो आम जनता पर पड़ रहा है। वो देख रहे हैं कि एक तरफ ऐसी पार्टी है जो इतना काम करती है और दूसरी तरफ ये पार्टी है जो सिर्फ अपीजमेंट में लगी है, कोई काम नहीं करती है। और विजुअल देखिए किस प्रकार से मंत्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला गया, आप देखिए पुलिस को एस्कॉर्ट करना पड़ा, बचा करके ले जाना पड़ रहा है, और उस जगह से जहां के वो मंत्री हैं। ये है तेलंगाना का हाल। अब तीसरी घटना मैं आपको बेंगलुरु से दिखाता हूँ। कर्नाटक के बेंगलुरु में जो किसान नेता है ना, तथाकथित राकेश टिकैत, वहाँ पहुँचे थे माहौल बनाने के लिए
चुनाव आ रहा है ना वहां पे, लेकिन वहां पहुंचे उससे पहले ही पता है कि उनकी पार्टी टूट गई और पार्टी से ही उनको और उनके भाइयों भाई को जो है बेदखल कर दिया गया। लेकिन कहते हैं ना कि जो अकड़ है मतलब वो अभी गई नहीं है, और जो माने महत्वाकांक्षा है वो तो और जोर मार रही है। जनाब पहुंचे बेंगलुरु में और वहाँ पर जो प्रेस क्लब है वहाँ पर शायद ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले थे, और यहाँ पर इनकी जो घटना ये हुई है उससे पहले एक वहाँ चंद्रशेखर किसान नेता हैं उस पर कोई स्टिंग ऑपरेशन हुआ, कोई घटना हुई तो उसको लेकर के सवाल पूछा गया राकेश टिकैत से, क्योंकि ये तो सारे किसान किसान हैं। अब इन्होंने उन्हें भला बुरा कह दिया। इस पर वहाँ के जो किसान हैं वो भड़क गए और उन्होंने जमकर मारपीट की, माइक उठा करके उसे मारा, किसान नेता राकेश टिकैत को किसानों ने, और मुंह पर स्याही छिड़क दिया, मुंह काला कर दिया, और ये पूरी घटनाएं कैमरे के सामने कैद हुई। अब ये घटना आपको क्यों दिखा रहा हूं समझिए कि ये जो किसान नेता बने पूरे देश में घूम रहे थे ना, अब इनकी सच्चाई उजागर होनी शुरू हो गई है। किसान भड़क रहे हैं, किसानों को समझ में आ गया कि ये राकेश टिकैत कैसे उन्हें भड़का रहे थे, और एक अच्छा कानून जो किसानों के हित में था इन लोगों की गुंडागर्दी की वजह से वो किसान कानून भी प्रधानमंत्री मोदी ने रद्द कर दिया, और किसानों को इससे कितना नुकसान हो रहा है आज ये देश भर के किसान महसूस कर रहे हैं। तो ऐसे में राकेश टिकैत के खिलाफ जो गुस्सा अब लोगों का भड़क रहा है, लोगों का भी नहीं उसमें किसानों का ही जो भड़क रहा है, वो आने वाले दिनों में मेरे ख्याल में और देखने को मिलेगा, क्योंकि राकेश टिकैत एक तो पूरी तरह से एक्सपोज हो गए हैं और दूसरी तरफ से उनकी महत्वाकांक्षा अभी भी कम नहीं हुई है। ये है तीसरी बड़ी घटना। अब जो चौथी घटना आपको दिखा रहा हूँ ये केजरीवाल से जुड़ी है। मोस्ट ऑनेस्ट, सबसे ईमानदार का तमगा लेकर खुद घूमते हैं ना, खुद ही जुडिशियरी, खुद ही अदालत, खुद ही वोटर, खुद ही नेता, सब कुछ खुद ही हैं ये। और मैं आपको सत्येंद्र जैन के मामले में दिखाना चाहता हूँ। अभी तो पंजाब में इनके एक जो स्वास्थ्य मंत्री हैं वो भ्रष्टाचार करते पकड़े गए, जेल चले गए। अब दिल्ली में इनके स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन भी भ्रष्टाचार के एक मामले में जेल भेज दिए गए हैं, ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। अब बात सिर्फ इतनी नहीं है, हालांकि ये छोटी बात नहीं है, कि जो व्यक्ति ईमानदारी की बुनियाद पर भ्रष्टाचार के खिलाफ सबसे बड़ा आंदोलन खड़ा करके सत्ता में आया, उस वो व्यक्ति कितना भ्रष्टाचार से घिरा हुआ है ये देखने को मिलता है। आज देश में अगर भ्रष्टाचार के खिलाफ सबसे ज्यादा कार्रवाई हो रही है तो अगर कोई एक पार्टी है तो वो आम आदमी पार्टी हो गई, वो कांग्रेस को टक्कर दे रही, वो महाराष्ट्र से भी आगे निकल गई है। और वो मंत्री खास करके जिसका वो ढोल पीटते हैं, मोहल्ला क्लिनिक, स्वास्थ्य के नाम पे हमने ये कर दिया वो कर दिया, और स्वास्थ्य मंत्री ही जेल जा रहे हैं। आप समझ रहे हैं कितना बड़ा ठगी कर रहे हैं ये लोग। लेकिन खैर मैं इससे आगे एक बात बताना चाहता हूँ, केजरीवाल के कुछ बयान सुनाना चाहता हूँ। आप देखिए 10 जून 2018 का एक पुराना ट्वीट आपके लिए निकाल करके लाया हूँ। इसमें केजरीवाल ईमानदारी का ढोल पीटते हैं ना, कह रहे हैं कि सीबीआई तो अमित शाह के अंडर में है, वही सारा फैसला करते हैं, और जब मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन के खिलाफ नए केस डाले गए हैं तो केजरीवाल कह रहे हैं, याद रखिएगा, वो कह रहे हैं कि नए केस शुरू करने से पहले मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन को तो जेल भेज लो। ये केजरीवाल मांग कर रहे हैं कि सत्येंद्र जैन को जेल क्यों नहीं भेजते अमित शाह से, उनको पता ही नहीं था कि जिससे आप पंगा ले रहे हैं ना वो आपसे दो कदम आगे है। लेकिन आपकी तरह नहीं है, आपने किसी पे इल्जाम लगा दिया ये भ्रष्टाचारी है और बस आपने फैसला सुना दिया। नहीं, मोदी सरकार में प्रॉपर कार्रवाई होती है, जांच होती है, और कानूनी रूल ऑफ लॉ है। ऐसा नहीं कि आपके मन में आया और आपने घोषित कर दिया, यहाँ पिछले कई वर्षों से जाँच हो रही थी और उसके बाद ये गिरफ्तारी हुई है। तो केजरीवाल की मंशा पूरी हो गई। लेकिन अब आगे आइए, केजरीवाल ने 6 मई 2022 को एक और ट्वीट किया था, एक अखबार की कटिंग। अच्छा, इनका एक पैटर्न है, पहले बोलते हैं फिर छप जाता है, फिर उसी अखबार को कोट करके दूसरी बात कहते हैं अपनी, मतलब अपनी ही बात को अलग अलग तरीके से कहते हैं। इन्होंने क्या लिखा कि गहन जांच पड़ताल और सबूतों को संज्ञान में लेने के बाद भाजपा की केंद्र सरकार ने सत्येंद्र जैन को सर्टिफिकेट दे दिया कि वे देश के सबसे ईमानदार मंत्री हैं। पहले कहा जेल भेजो, फिर ईमानदार मंत्री का तमगा लगा दिया,
अब आगे आइए थोड़ा सा। भाई साहब ने 3 महीने पहले एक बयान दिया और इनको एकदम सपना आया, सोए सोए सपना आया कि अब ईडी सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार करने वाली है। आप ये पहले बयान सुनिए। आने वाले कुछ दिनों में ईडी सत्येंद्र जैन जी को गिरफ्तार करने वाली है। मतलब समझ रहे हैं, केजरीवाल जी को एहसास हो गया था कि सत्येंद्र जैन गिरफ्तार होने वाले हैं। वैसे पता तो इनको शुरू से ही रहा होगा क्योंकि ये केस तो 8 साल से चल रहा है, तभी से ये कह रहे हैं। कभी कुछ कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं। अच्छा, इनको लगता है कि मैं पहले कह दूं ताकि मैं दिखाऊं कि मेरा असर है। ये इनका एक पैटर्न है। कभी कहते हैं आप गिरफ्तार नहीं कर सकते, नहीं मैं देखो गिरफ्तार नहीं किया, मैंने कहा था। अब गिरफ्तार करने वाले हैं, गिरफ्तार हो गया, देखा मैंने कहा था। अब इन्होंने कह दिया और जब गिरफ्तार हो चुके हैं सत्येंद्र जैन, तो देखिए आज ये जनाब क्या कह रहे हैं। ये मतलब राजनीति और फर्जीवाड़ा, पता नहीं क्या क्या आरोप लगा रहे हैं। आप देखिए, आप इनका ही बयान सुन लीजिए। ये बिल्कुल कम्प्लीटली फर्जी केस है। बिल्कुल उनको जानबूझ के पॉलिटिकल कारणों की वजह से फंसाया गया है। तो ये है केजरीवाल का डबल स्टैंडर्ड। इसको आज तो ये वैसे पूरे देश में एक्सपोज हो रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे नई नई घटनाएं आती है ना, तो ये बार बार लोगों को समझना जरूरी है ताकि हर वक्त उन्हें याद रहे कि कभी चुनाव का मौसम आए तो ये मुफ्त का जो देते हैं ना, दाना डालते हैं ना, उससे लोग बच सकें, इसलिए ज़रूरी। और अब एक और घटना आखिर में, हालांकि ये आखिरी नहीं है क्योंकि ऐसी तो कई घटनाएं हो रही हैं, लेकिन ये पॉजिटिव घटना है। 8 साल पूरे होने के मौके पर, मोदी सरकार के 8 साल पूरे हो गए, प्रधानमंत्री मोदी ने हिमाचल प्रदेश में एक सम्मेलन को आयोजित किया, किसान गरीब कल्याण सम्मेलन इसका नाम था। इसमें बड़े सारे काम हुए, 8 साल पूरे हो गए हैं और 10 करोड़ से अधिक किसानों को प्रधानमंत्री मोदी ने किसान सम्मान निधि का पैसा ट्रांसफर किया। 10 करोड़ से अधिक किसानों को, आप समझ रहे हैं कि एक छोटे से मौके, बस एक बटन दबाया इन्होंने और 21,000 करोड़ रुपए ट्रांसफर हो गए। 10 करोड़ से अधिक परिवारों, यानी 50 करोड़ से अधिक लोगों के जहन में एकदम खुशियां दे दी उन्होंने। एक तरफ जहां नेगेटिव घटनाएं हो रही हैं, वहीं एक तरफ पॉजिटिव घटनाएं, एक पॉजिटिव घटना भी देखने को मिल रही है। ये बताना ज़रूरी है। देखिए, पॉजिटिव चीज़ों को हम छोड़ देते हैं, लेकिन ये समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये हर इंसान, हर नागरिक के जीवन में इसका असर पड़ता है। और देखिए इसका क्या मतलब प्रतिफल होता है, कैसे देखने को मिलता है। जब प्रधानमंत्री मोदी हिमाचल प्रदेश पहुंचे, वैसे तो मैंने बहुत सारे विजुअल पहले भी दिखाए हैं, अभी आपको चेन्नई का भी दिखाया था, जैसे ही हिमाचल प्रदेश पहुंचे इतनी भीड़ जमा हो गई कि सभा स्थल तक लोग पहुंच ही नहीं पाए, वो छोटा पड़ गया। और जगह जगह जहां देखिए लोगों का रैला लगा हुआ था और प्रधानमंत्री मोदी ने उन लोगों को निराश नहीं किया, वो चलते हुए, पैदल चलते हुए कहीं उतर कर गाड़ी से लोगों से मिले और लोगों में मतलब जैसे कहते हैं ना, जय श्री राम के नारे के साथ प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत किया, सत्कार किया। और ऐसे भी लोग दिखे, कई बच्चियां दिखी जो प्रधानमंत्री मोदी की मम्मी की तस्वीर बनाकर ले आई थी और पीएम ने उन्हें निराश नहीं किया, उन्हें आशीर्वाद दिया, उस तस्वीर को उन्होंने थामा और लोगों से मिले। तो ये है खुशियाँ, ये विजुअल आज कोई नेता करके दिखा दे, कोई नेता सड़क पर उतर जाए और ऐसे ही हजारों लोग इकट्ठा हो जाए, पूरी दुनिया में ये उदाहरण देखने को नहीं मिलता। और आप मतलब भारत में इसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते बाकी किसी नेता के लिए। आपको मैंने अभी दिखाया ना कि एक तरफ तेलंगाना का एक मंत्री सड़क पर उतरता है और जैसे ही तारीफ करता है अपने मुख्यमंत्री की तो लोग पत्थर चलाने लगते हैं, कुर्सियां फेंकने लगते हैं, हिंसा करने लगते हैं। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी का नाम सुनकर वैसे ही लोग खींचे चले आते हैं। और 8 साल पूरे होने के मौके पर एक दिन पहले भाजपा अध्यक्ष नड्डा जी ने एक पुस्तक लॉन्च किया। ये देखिए, ये पुस्तक है, मेरे पास भी है, ये किताब पड़ी हुई बुकलेट है ये, बेसिकली बहुत सारी चीज़ें, ये अंग्रेजी में है और ये हिंदी में है। इसका नाम उन्होंने दिया है 8 साल सेवा सुशासन गरीब कल्याण, और इसमें सर्व संकल्प से 100% सिद्धि तक। अब आप समझिए ये बुकलेट क्या है। इस बुकलेट में 8 साल में
जितनी उपलब्धियां हासिल हुई है ना, उन उपलब्धियों की चर्चा है, डेटा है, कहीं कोई मतलब ऐसा नहीं कि फालतू की बातें, कोई इधर उधर की बात, ऐसा कुछ नहीं। अब आप मैं आपको कुछ पॉइंट्स दिखाता हूं, जैसे ये मुख्य बातें दी हुई हैं, इसमें बता रहे हैं कि पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज, स्वच्छ भारत के तहत 11.5 करोड़ से अधिक शौचालय, जल जीवन मिशन 6.29 करोड़ नल से जल कनेक्शन, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 3 करोड़ से ज़्यादा घर, 20 करोड़ महिलाओं के खातों में कैश ट्रांसफर, बहुत सारे 2014 से पहले की तुलना में 5 गुना अधिक एकलव्य आवासीय विद्यालय स्वीकृत, स्टैंड अप इंडिया, मुद्रा योजना, करोड़ लोगों तक कैसे सरकार पहुंची है वो इस बुकलेट में दिया गया है, ये तथ्य दिए गए हैं। अब आप समझिए कि भारत में एक ही समय में, ये 8 साल में पहली बार हो रहा है जब कुछ ही पलों के अंतराल में इतनी सारी घटनाएं हो रही हैं, और एक तरफ जहां विपक्षियों के खिलाफ जनता का गुस्सा दिख रहा है, वहीं प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ जनता का प्यार दिख रहा है। साथियों, मोदी सरकार के जब 2 साल पूरे हुए थे तब भाजपा ने एक गाना रिलीज किया था, मेरा देश बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है। तब तो बहुत सारे लोग ऐसे थे जिनको एहसास ही नहीं हुआ कि इसका अर्थ क्या है, लेकिन आज जब 8 साल पूरे हो गए हैं तो लोगों को इसका स्पष्ट संकेत देखने को मिल रहा है। अब जो मोदी विरोधी इकोसिस्टम है, जो अब तक मोदी के विरोध में नफरत फैलाने में जुटा हुआ था और कांग्रेस के समर्थन में तर्क गढ़कर उन्हें उसका प्रचार करने में लगा हुआ था, आज स्थिति यह है कि वो इकोसिस्टम जो कांग्रेस और कांग्रेसी समर्थन करने वाला इकोसिस्टम है, वो रो रहा है, चित्कारे मार रहा है, और जिसके खिलाफ नफरत फैलाई गई उसकी जय जयकार हो रही है। तो आज इस संदर्भ में ये समझना हमारे और आपके लिए मुश्किल नहीं है कि ऐसा क्यों हो रहा है। और जो गाना है ना कि मेरा देश बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है, इसी में सारा सत्य छिपा है, सारा तथ्य छिपा है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपसे गुजारिश है कि आप मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और इस बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। नमस्कार।